कैथल की CIA वन पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब अवैध हथियार सप्लाई करने वाले दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दोनों बदमाश 18-20 साल से फरार चल रहे थे। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे ये दो शख्स कोई आम आरोपी नहीं है, बल्कि बदमाशों को सुरक्षा प्रदान करने का जिम्मा उठाने वाले ये दोनों आरोपी लंबे समय से हथियारों की सप्लाई करते थे और करीब 18 से 20 साल से फरार चल रहे थे, जिन्हें अब कैथल CIA टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों पर सरकार ने 5,000 रुपए रखे थे। मिली जानकारी के अनुसार दोनों बदमाश अकबर व इरफान यहाँ पर कटड़े और भैंस खरीदने के बहाने आते थे और यहाँ पर देसी कट्टे सप्लाई करते थे। पुलिस को आरोपियों से 315 बोर की एक एक देसी पिस्टल बरामद हुई है। देसी पिस्तौल 315 और एक जिंदा कारतूस मिला, तो फिर इससे ही पता कराया गया। उसी मुकदमे में इसका भाई था, तो इसको पता कराया गया भाई आपका भाई कहाँ है, तो पता लग गया वो भी राजौंद इलाके में है, तो उसको भी मौके पे जाके पकड़ लिया। उससे भी नाजायज असला हमने बरामद किया और दोनों को मुकदमा दर्ज कर लिया और आगे अभी इसको कोर्ट में पेश करेंगे और इसको रिमांड पे लेके उसकी कार्रवाई करेंगे। पुलिस के इस कार्रवाई के बाद से एक बात तो साफ है कि आरोपी चाहे जितने भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन उनकी आखिरी मंजिल जेल के सलाखे ही है। वहीं इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद से इनके साथियों में भी डर का माहौल पैदा हो गया है। वहीं पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी व ये जानने की कोशिश करेगी कि किन किन को उन्होंने देसी हथियार सप्लाई किए हैं। जिन जिन को देसी हथियार सप्लाई किए हैं उनकी गिरफ्तारी होने की भी संभावना है।